वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पूरे देश में खलबली मची हुई है। इस खतरनाक वायरस ने पूरी दुनिया को थाम कर रख रखा है। और लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, अपने कारोबार बंद कर दिए हैं। रामपुर में भी अब तक कई कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिला अधिकारी आनंदजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रामपुर में 792 सैंपल भेजे, उनमें से 725 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है। अभी तक 67 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है, उसमें से 689 रिपोर्ट नेगेटिव आई है और एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये व्यक्ति दिल्ली से आया था और पुलिस चेक पोस्ट पर इसको रोका गया था और इसकी जांच कराई गई तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस तरह जनपद रामपुर में कुल मिलाकर कोरोना वायरस व्यक्तियों की संख्या 16 हो गई है। आज दिनांक 27 अप्रैल को जनपद रामपुर में कोरोना से संबंधित जो अद्यतन रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमने जो टोटल 792 सैंपल्स भेजे थे उनमें से 725 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है और अभी भी 67 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है। जो प्राप्त रिपोर्ट है उनमें से 689 लोग नेगेटिव आए हैं और आज एक और स्वार के खेड़ा टांडा से एक व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। यह व्यक्ति दिल्ली से आया था और पुलिस द्वारा चेक पोस्ट पर रोका गया था और बाद में उसकी सैंपलिंग कराई गई थी तो उसमें पॉजिटिव निकला। इस तरह अब कुल मिला के हमारे यहाँ पॉजिटिव जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 16 हो गई है। अभी तक जितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनमें से 4 व्यक्ति ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 2 व्यक्तियों की रिपीट सैंपल नेगेटिव आई है तो उनको भी बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हमारे जो जौहर यूनिवर्सिटी का L1 कोरोना सेंटर है वहाँ पे 6 व्यक्ति अमरोहा से भी लाए गए हैं। इन सबको अगर जोड़ें तो इस समय हमारे पास 22 व्यक्ति ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव रखे गए हैं और उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, सिम्टोमेटिक भी नहीं है कोई भी, तो अभी तक किसी तरीके की गंभीर स्थिति नहीं है। जो अप्राप्त रिपोर्ट्स हैं वो शाम तक आ जाने या कल तक आ जाने की उम्मीद है। कुल मिला के स्थिति बहुत ही जो कोरोना पॉजिटिव की जो बढ़ने की स्पीड है वो बहुत कम है और हम पर्याप्त एहतियात बरत रहे हैं। हमारे यहाँ इस समय एक्टिव हॉटस्पॉट अब केवल टांडा बचा है और हालांकि अभी भी अजीतपुर, आगापुर और मंसूरपुर अभी चल रहा है, पर जहां उनकी जो प्रोटोकॉल के हिसाब से अवधि पूरी हो जाएगी उनको भी हटा देंगे तो अभी केवल टांडा तहसील क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा जहां पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और उसकी पूरी एहतियात बरती जा रही है। उस पूरे हॉटस्पॉट क्षेत्र को हर एक तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है और वहां से अभी पिछले 3 दिनों में कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। ये नया केस है वो स्वार क्षेत्र का है और ये भी दिल्ली से आया हुआ व्यक्ति है, यहाँ का नहीं है। ज़्यादातर अभी तक जितने भी हमारे पॉजिटिव केसेस आए हैं उनमें से 2 को छोड़कर जिनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है सभी बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं और उनको शुरुआत से ही क्वारंटाइन किया जा चुका है। आपको बता दें कि रामपुर में 16 संक्रमित लोगों में से 4 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 2 लोगों के रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं, उनको भी बहुत जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रवि की रिपोर्ट।